अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे सूजी का हलवा बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बहुत ही नरम और एकदम दानेदार हलवा बनकर तैयार होगा, एकदम परफेक्ट हलवा स्टाइल में। चलो इसे बनाते हैं। सबसे पहले हम सूजी का हलवा बनाने के लिए शुगर सिरप बनाकर तैयार करेंगे। इस कप से 3 कप पानी लेंगे भरकर। ये मैंने पूरे 3 कप पानी ली हूँ। अब इसमें 1 कप भर के शक्कर डालेंगे। इसमें मैं 1 चुटकी येलो फूड कलर ऐड करूँगी। फूड कलर ऑप्शनल है। ऐसे हम गरम करने रखेंगे। इसे हमें सिर्फ गरम करना है, इसे हमें चाशनी नहीं बनाना है। शुगर सिरप गरम होने तक हम सूजी को भून लेंगे। ये मैंने 1 कप भर के सूजी ली हूँ और इसी कप से मैंने 3 कप पानी ली हूँ। ये परफेक्ट मेजरमेंट है हलवा बनाने का एकदम। ऐसे हम अच्छे से ब्राउन होने तक भून लेंगे। बिना घी के आप इसे भूनोगे तो एकदम दानेदार हलवा बनकर तैयार होता है इस तरीके से। इसे हम 10 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। ये सूजी अच्छे से भून चुकी है, सूजी भून चुकी है, इसे अब निकाल लेंगे। अब इसी बर्तन में हम 2 चम्मच भरकर घी डालेंगे। घी गर्म हो चुका है, इसमें अब ड्राई फ्रूट डालेंगे। इसे हमें हल्का रोस्ट करके निकाल लेंगे घी में से। ड्राई फ्रूट लाल हो चुके, इसे निकाल लेंगे हम। इसी में हम ये भुनी हुई सूजी को डालेंगे घी में। ऐसे हम 5 मिनट तक और भूनेंगे। इस सूजी को 5 मिनट हो चुके भून के। अब इसमें हम शुगर सिरप जो तैयार किए थे उसे डाल देंगे। एकदम सावधानी से आप इसमें शुगर सिरप डालें तो इसमें छींटे उड़ने लगते हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पे आप गैस स्लो कर दें। इसमें आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हो। अब इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे भुने हुए। इस स्टेज पे हम थोड़ा सा और घी ऐड करेंगे। इसे हम ढककर 5 मिनट तक इसी तरीके से छोड़ देंगे। अभी 5 मिनट हो चुके हैं, सूजी हमारे अच्छे से दम हो चुका है, हलवा बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही सॉफ्ट, एकदम खिला खिला हलवा बनकर तैयार हुआ है। इस तरीके से आप भी एक बार ज़रूर बना के ट्राई करें। इसे अब सर्व करेंगे। बहुत ही सॉफ्ट, एकदम जूसी हलवा बनकर तैयार हुआ है। इस तरीके से आप भी इसे एक बार ज़रूर बना के ट्राई करें। आपको मेरी ये रेसिपी अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।